हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जय सो मैं मस्त सुबह हो गई है और मस्त धूप निकल के आई है और भी बादल बादल छा गए आज भी और मस्त सनराइज हो गया है, दिख रहा है आपको। और मस्त पौधे भी हो गए हैं, बड़े वाले भी। तो चले सब लोग नाश्ता करें, मैं ही बाकी हूँ। तो मैं भी डायरेक्ट चलती हूँ किचन में। यहाँ पे आरू ने भी मैंने नहला दिया है, आरू वरू ही को। जय स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण। रूही तो मस्त नौ घोड़ पे राज है। हैं आरू आरू हम ही नहीं जो है तो ये पे किनर भाखरी बना रही है। बन गई भाखरी, भाखरी तो बन रही। देखो घंटे से खड़ी हूँ यार। गैस को प्रॉब्लम आ गई है, गैस में कुछ अभी स्लो चल रहा है तो अभी दिखाना पड़ेगा। हाँ, दोनों मिल बहुत स्लो चल रहा है। गैस को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। उस हॉस्पिटल होती ना जो पेशेंट वहाँ पे। तुझे नाश्ता बाकी है? तो मेरा बाकी है, इसी देखो साथ में कर लेंगे। ओके चलिए। और मुझे डाल दिया कपड़े धोने के लिए? डाल दिया मैंने। ओके चलिए। तो चलिए फिर पहले नाश्ता कर लेते, उसके बाद हम डायरेक्ट काम स्टार्ट कर दे। फाइनली मैंने मस्त रात तो दूध और भाखरी और मक्खन के साथ मैंने खाया है। कई दिनों बाद मक्खन खाया है तो मजा आ गया। नहीं, मैं भाखरी नहीं खाती तो मक्खन कैसे खा सकती हूँ? तो आज पहली बार यहाँ पे बहुत सारा मक्खन देखा ना, तो मैंने बोला चलो आज भाखरी और दूध और मक्खन खा लेते हैं। मेरा फेवरेट है मक्खन तो। जब किन्नर बैठ गई नाश्ता कर रही है तो अच्छा लगता है मक्खन खाने सवेरे सवेरे। तो ये अकेले ही बची है तो ये नाश्ता कर रही है। सब लोग बेडरूम में सोए थे तो वो बेडरूम क्लीन करना है, तो फटाफट क्लीन कर देती हूँ। बाद में आगे के जो हो गया वो दिखाते जाएंगे, वो करते जाएंगे। रूम क्लीन कर दी है एकदम बढ़िया सा। और यहाँ पे रूही मैडम बैठ गए स्कूल पे, आज रजा है इसलिए पढ़ने के लिए। इसके पापा ने बिठा दिया है पढ़ने के लिए। नहीं रूही, रूम क्लीन कर दी है, अब किचन बाकी है और बेजिंग वॉश करना है। तो चलो काम कर लेते हैं। और यहाँ पे किंजल मैडम ने चापर चुपट शुरू कर दी है सवेरे सवेरे। मेरा जो सारा काम था ना मैंने फिनिश कर दिया है, और किचन भी क्लीन कर दिया, बेडरूम क्लीन कर दिया, बेजिंग सारे मैंने वॉश कर दिए है। और सब्जी किंजल लाई थी तो यहाँ पे सब्जी वॉश करके मैंने रख दी है। आप सब देख सकते हो मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है। और किंजल का बचा है थोड़ा यहाँ पे झाड़ू लगाना, तो कर रही है। नहीं कि बाकी ग्राउंड क्लीन करना है, होटल क्लीन करना है बस, उसके बाद तो फ्री। उसके बाद दोपहर का खाना बनाएंगी। यस, बाकी तो फ्री ना काम। हाँ। यस यस, तो चलिए तुम तुम्हारा काम करो। और यहाँ पे बहुत बड़ी चौकी लेकर आ गए। क्या लाडवा बनावाना है क्या? मोहन थाल मरजाना, लाडवा करवा मरजाना। क्या बात है, चादर में से सब आने वाले हैं ना? है ना, आएंगे आज सब लोग। पुदीना को साफ सफाई कर रहे हैं किंजल। स्मेल बहुत मस्त है ना पुदीना ने, स्मेल बहुत अच्छा थी घर का है ना, इसलिए तो भी देखो बादल बादल हो गए अभी। यस yes, बादल बहुत बादल बादल छा गए हैं। यस, क्योंकि दुबई में बहुत सारी बारिश हो रही है ना, इसलिए जाके आई ना। हाँ, मैं जाके आई वहाँ पे, सपना में जाकर आई, सपना में जाकर आई। सब पता चल जाता है यहाँ पे बारिश है, यहाँ पे बारिश है। यस, क्योंकि फोन है ना, यंतरिया में हूँ, इसलिए सब कुछ पता चल जाता था मुझे। अच्छी बात है ना। और कुछ क्या नया? बस नया, अभी खाना बनाएंगे अभी विद्यानगर से पंकज काका और रमू दादा आने वाले। ओके, अभी रुकने वाले एक रात। ओके, तो खाना पीना सब बनाएंगे। ओके, डन कर ले। दोपहर के बाद बहुत मजा आएगा, सब लोग आएंगे ना। यस, तब बहुत अच्छा लगेगा, सब मिलते हैं ना, सूरत चला लवासी तो बहुत अच्छा। यस, जात्रे में से सब लोग आने वाले हैं ना, तो हम सामैया लेकर जाने वाले हैं ना। yes. दोनों बच्चे अलग है ना, सामैया रेडी करेंगे। यस, मस्त रेडी करेंगे हम। बस ओके, चलिए आगे चलते हैं। बाप बेटी कुछ ना कुछ कर रही हैं। जीजा, जय स्वामी नारायण, कैसे हो? नाश्ता पानी हो गया? हो गया, हो गया। पूजा पाठ भी हो गया? सब हो गया। बाकी क्या रहा है? बाकी क्या है? बाकी आज जात्रालु आएंगे तो उनके स्वागत में लगेंगे हम सब लोग। yes. और हमारा है ना 27, 28, 29 राजकोट में बिग एग्जीबिशन है, जहाँ पर तुम्हें भी आना है। मैं भी आने वाले, आइए। ओके, थैंक यू। माहौल देखिए कि एक लेडीज छोटी छोटी उम्र में कितना अच्छा बिजनेस करते हैं और कितनी अच्छी क्रिएटिविटी लाते हैं, कितने अच्छे आइडियाज वहाँ पे लाते हैं और कितने अच्छे लोग आते हैं, किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह समझाते हैं सारी प्रोडक्ट अपनी,
बहुत कुछ सीखने सीखने का मिलेगा हमको। एग्जीबिशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरी बार मैं और किंजल जाएंगे एग्जीबिशन लेकर, हम दोनों साथ में जाएंगे, हम दोनों साथ में जाएंगे। सब कुछ बेच के मतलब क्या, सब कुछ, सब कुछ मतलब घर नहीं बेचना है, सिर्फ हमारे प्रोडक्ट की बेचना है। बस ऐसा बोलो ना, ऐसे प्रोडक्ट जो लोगों को फायदा हो। यस यस, सिर्फ बेचना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखो यहाँ पे हमारी ढिंगली, तीन ढिंगलियाँ भी चल रही है, मोटो ढिंगलो से ढिंगली से ढिंगलो पर वो उधर पर तो मोटो जो लगता ढिंगलो खबर पड़े नहीं जाते नहीं चक्की चौखा खाने छे चक्की चौखा खाने छे मस्त टी शर्ट पहनू छे फाइन पैंट पहरा है। हम दोनों गए थे लेने के लिए, हम दोनों गए थे दिवाली के लेने के लिए गए थे। ब्लैक कलर मेरा भी ब्लैक बहुत मतलब बहुत फेवरेट है। मैं जब इसमें ऑनलाइन कुर्ती ढूंढती हूँ ना तो ब्लैक ही ढूंढती हूँ मैं। इधर है मैं काम पे लेने के लिए, अभी ब्लैक ड्रेस मैंने ढूंढा है लेकिन अभी आंसर नहीं आया है, देखते हैं अभी। यहाँ पे मैं और किंजल आ गए किचन में खाना बनाने के लिए, और आज हम खाने में क्या बनाने वाले हैं? दाल चावल फिर से। ओके, और रोटी सब्जी, रोटी सब्जी, भिंडी की सब्जी और रोटी। यस, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो दाल और चावल अभी मैं रख रही हूँ। यस, तो विराली अभी भिंडा कटिंग करेंगे, कटिंग पेस्टिंग, कटिंग पेस्टिंग। यस, मैं कुकर लगाती हूँ। चलो, यस, अभी मैंने भिंडी की ले ली, उसको लुच कर अच्छे तरह से कटिंग करना है, और भिंडी की सब्जी बनाना है। और यहाँ पे रूही मैडम आइसक्रीम खा रहे हैं। रूही मैडम कैसा लगा आइसक्रीम? अच्छा लगा है ना, खा लो। ओके, तो यहाँ पे मैंने भिंडी कटिंग कर ली है, और यहाँ पे मैंने साइड में तेल भी रख दिया है। यहाँ पे दाल बॉयल हो रही है, और यहाँ पे चावल पक गए हैं। और दोपहर के बाद खाने के लिए मकई ली है, तो वो भी हम खाएंगे। और यहाँ पे मैंने आटा निकाल लिया है, और सब्जी पकेंगे, तब तक मैं आटा गून लूंगी। और किंजल गई है रूम में अपनी तिजोरी क्लीन करने, इसलिए तो बाद में वहाँ पे जाएंगे थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे मैंने रोटी का आटा गून लिया है, तो थोड़ा टक देती हूँ मैं। और यहाँ पे भिंडी की सब्जी पक रही है, तो किंजल मुझे आवाज दे रही है कुछ काम है, तो चलो मैं उसकी हेल्प करने के लिए जा रही हूँ, और बाद में अगर चेक कर राइस और दाल को पक गए कि नहीं। तो यहाँ पे मैं और किंजल रूम में आ गए हैं, और किंजल की तेजुरी थोड़ी इधर उधर हो गई है। हाँ। क्योंकि हर घर में थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती क्या है, इधर उधर मुझे अच्छा नहीं लगता, तो किसी को जब मैं करती हूँ तो मुझे लगता है नहीं अभी हो गया है। यस यस, ऐसा ही होता है। तो चलिए आगे के कंटिन्यू करते हैं। और तो भी देखो खाना भी, एक तरफ खाना भी चालू है बनने का, और इस तरफ हमारा काम भी चालू है। यस, तो दोनों भी चालू है साथ में। किंजल यहाँ पे रूम में काम कर रही हूँ, मैं खाने में वहाँ पे आऊंगी। अब दाल वो सब रोटी हम सब साथ में बनाएंगे। यस यस, ऐसे करेंगे। सब्जी है वो अभी तो लगा है तुम, अभी तो 10 ही बजे है, सब्जी पक रही है, हो जाएगा। अब देखो अभी मेरा सामान निकाल दिया, बहुत थोड़ा बहुत ये मेरा पहले मैं बहुत पहनती थी। यस, बहुत पहले इतना शौक था ना कपड़े और इयररिंग्स का, बहुत शौक था। हम साथ में थे तो जगह देती थी इसमें, बहुत शौक था। जो भी देखती ना वो सीधे घर पे लगा देती। रिंग और नेकलेस का वो शौक नहीं है मुझे, लिपस्टिक और इयररिंग्स और ड्रेस पर इतना मुझे अच्छा चाहिए। पहले बहुत शौक था, अभी भी शौक है, पर इतना अभी नहीं कर पाती मैं, अभी क्योंकि बच्चे हो गए हैं, बच्चे में टाइम निकल जाता है, बच्चे में रेडी करना वो सब इसमें चला जाता है टाइम। पहले तो क्या हम अकेले होते हैं तो जवाबदारी इतनी नहीं आती, घर पे होते तो मम्मी सब संभालते, हम छोटा बहुत काम करते थे, चल जाता तो कुछ टेंशन नहीं होता है। यस, अभी टेंशन है लेकिन जिम्मेदारी बहुत आ जाती है। यस यस, ऐसे ही होता है। और मुझे भी थोड़ा बहुत शौक है, और चप्पल का है, ड्रेस का है, और बस दो ही मेरे शौक है, और मेरा नेल्स का, तीन मेरा स्पेशल शौक है। सच भी शौक नहीं क्योंकि मेरा नेल इतना अच्छा ही नहीं है पहले से ही, मतलब नाखून बढ़ते ही नहीं उसके। हाँ, बढ़ते ही नहीं। मेरा तीन शौक है, सूट भी नहीं होता। तो मेरा तीन शौक है, तो मैं पूरा करती हूँ मेरे लिए, खुद के लिए, और मेरे एयरिंग्स का वो ज्यादा नहीं। मुझे एक शौक बहुत है, मेरा बॉडी मेंटेन करना मुझे बहुत शौक है। वो तो मुझे भी है, पर मेंटेन हो नहीं रहा है, बढ़ जाता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब टेंशन हो जाता है। मेरा सवेरे आपको पता है मैं मग ही खा रही हूँ, तो भी मेरा कम, मेरा मैं अभी मग खाने लगी ना विराल, तो मेरा सच में बहुत कम हो जाता है। अभी मैं टाइम तो मुझे खाना ही पड़ता है, सुबह एक बाकी खाती हूँ, दोपहर में तीन चार रोटी खाती हूँ, रात को एक रोटला खाती हूँ, इतना तो मैं नहीं खाती हूँ, फिर भी मेरा वजन कम नहीं
नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी बॉडी इस तरह से है, तो किचन की बॉडी ऐसी है, किचन एक वीक भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज और खाना में थोड़ा डाइटिंग लाएंगे मेरा कम हो जाता है, तो एक हफ्ते में किलो तो कम हो जाता है। बनाए थे ना वो बोल रहे थे क्यों इतनी पतली हो गई, मैंने बोला अभी तुम्हें बड़ी हो गई, सबसे बात शेयर करे मैं बड़ी हो गई नहीं तुम बहुत पतली हो गई, मुझे अच्छा लगा ये तो बोला। तो अंदर से हम अच्छा फील करते हैं, किसी ने तो बोला अच्छा थोड़ा पतले हो गए, मुझे तो कोई नहीं बोलता है, मैं मोटी हूँ तो कोई बात नहीं, हम मोटे रहेंगे। कम खाते लेकिन शरीर बढ़ जाता है, मैं बोलते हैं ना किसी का शरीर हवा से पानी से फूलता है, मेरा शरीर ऐसा ही है। मैं सर आपको पता है सवेरे में मग खाती हूँ, दोपहर में बाजार का रोटला खाती हूँ, रात को भी ऐसा ही थोड़ा हल्का फुल्का खाती हूँ, फिर भी मेरा वजन कम नहीं होता है, कोई बात नहीं, मेंटेन तो रहता है ना, तो इसमें मैं खुश हूँ। जो किचन का जो तेजुरी है ना वो काम अपना निपटा ले, बाद में किचन में आएंगी तो मैं जा रहा हूँ किचन में, क्योंकि खाना पक रहा है, मैं सब्जी पक रही हूँ वहाँ पे, कल शायद निराली चली जाएगी। यस, परसों विशाल के लिए शॉपिंग करने के लिए जाना है, तीनों मैं और पायल और विशाल तीनों साथ में जाने वाले, तो भी आपको मैं शेयर करूंगी, बताऊंगी क्या क्या लेने वाले, क्या क्या शॉपिंग करने वाले, तो भी आपको शेयर करूंगी। अभी तो एक महीना आपको मेरे व्लॉग को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हर रोज परसों या कल परसों वैसे ही हम शॉपिंग करने वाले हैं, मैं और पायल और विशाल तीनों साथ में शॉपिंग करने वाले, क्योंकि किंजल तो यहाँ पे रहने वाली है, मैं तो नहीं आ पाऊंगी, मम्मी नहीं है, विशाल की सगाई मैं किंजल को हम बुलाएंगे तीन चार की, तीन चार दिन जल्दी बुलाएंगे। हाँ जल्दी बुलाएंगे, पहले जल ही देना था लेकिन फिर सबने फाइनल किया है कि सगाई बड़ी वाली सगाई करेंगे, वो भी होटल में, एंजल होटल में। यस, और डेट आ गई है, वरना 25 दिन की लेट है, इसलिए हम अभी से डेट आपको नहीं कंफर्म करते, हर रोज व्लॉग देखना मत भूलना, भूले। यस, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नया लेकर आने वाले हो, इसलिए अच्छी बात है। तो किंजल अपना काम कर रही है, देती हूँ बाद में खाना बनाएंगे, तो यस तो मैं मेरी सब्जी को संभाल दूँ वरना जल जाएंगी, और आज गेस्ट आए हैं ऑलरेडी, एक तो आ गए एक आने वाले हैं, तो चल आगे कंटिन्यू करते हो, तो बने रहे मेरे साथ। तो यहाँ पे चावल पक गए और यहाँ पे दाल भी पक गई, तो उसमें मैंने अदरक और मिर्ची और टमाटर कटिंग कर लिया है, ग्राइंडर चलाना बाकी इसमें, और यहाँ पे सब्जी पक गई है, तो उसके पहले तो मैं धीमे धीरे पाउडर नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ, उसके बाद हम ब्लेंडर चलाएंगे, उसके बाद दाल को रख देंगे उबालने के लिए। चलो हमारा खाना बन गया है, तो यहाँ पे मैंने सर टप के रख दिया है, और आरोही और रोही दोनों बहनों को गोवणी की थी, तो किंजल वहाँ पे लेकर गई है दोनों को खिलाने के लिए, तो आएंगी तो बाद में सब लोग खाने के लिए बैठ जाएंगे। तो खाना खा लिया और काम करके फ्री हो गए हैं, और अब मैं बैठ जाती हूँ वीडियो एडिट करने के लिए, क्योंकि 3 बजे जाने वाले हैं, शामिया में जाने वाले हैं, मुझे आराम करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो अभी से वीडियो एडिट करने के लिए बैठ जाती हूँ, और दोपहर के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। फिर फाइनली यहाँ पे हम रेडी हो गए, और थोड़ा बहुत लेट भी हो गए क्योंकि बच्चे लोग होते ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो फाइनली चलो हम चलते हैं और वहाँ पे जाकर हम मिलेंगे। तो चलिए अभी किंजल जीजा भी रेडी हो गए हैं, मस्त लग रहे हैं। अरे वाह, बहुत मस्त लगे, हाल जल्दी आप जवान है, तो क्यूट क्यूट लग रही है, मैंने 2 चोटी ले ली है इसको, और यहाँ पे भी मस्त लग रही है। यहाँ पे सब लोग आ गए, जात्रा वासी सब लोग मस्त जात्रा करके यहाँ पे एक दूसरे बैठ रहे हैं हरिभक्तों को।
सारे जात्रा में गए तो बहुत सारे रंगोली या फूल की सब कुछ बहुत कुछ बहुत अच्छा किया है यहाँ पे सब लोग। मस्त डेकोरेट किया है, मत का साथ किया है, कंकु का है, चोखा का है, बहुत अच्छा अच्छा किया है यहाँ पे, पैसा का है यहाँ पे राहुल का है। फाइनली हम सब लोग घर पे आ गए हो, छात्रा वासी सब लोग बहुत खुश थे, छात्रा करके आए ना तो सब जगह मस्त मस्त दर्शन करके आए हैं, बहुत ज्यादा खुश थे, यस सब बहुत मजा आया। हमको लगा कि धूप में नहीं अच्छा लगा, धूप पता ही नहीं चला, धूप लगी नहीं, यहाँ लगी नहीं, पता ही नहीं चला धूप कैसी, फिर भी नहीं लगी तो ऐसे होता है। तुम क्या कर रही हो? हमारा इंटरेस्ट जिसमें होता है ना, तो धूप लगती है, भूख लगती है, सब दूर दूर चल नहीं रहता, सबके लिए चाय बन रही है, सभी दादा काका सब आए है ना, उसके लिए भी चाय बन रही है। ओके बनाए यहाँ पे लौकी की सब्जी मस्त लाजवाब बनाई है, टिंडा ने सब्जी बनाई एकदम चटाकेदार बनाई है, तो मस्त बन गई, इसमें मैंने धनिया भी एड कर दिया है, तो फाइनली सब्जी पक गई है। यहाँ पे हमारा सबका फेवरेट मेथिया मरचा बनाया किंजल ने मस्त, मैं थोड़ी काम में थी ना इसलिए मैं थोड़ी बहुत हेल्प में कराई है। नो टेंशन, सबकी कमेंट आई है ना, किसी की मतलब टेंशन नहीं लेना है, यस इसको जो अच्छा लगे वो बोलते हैं, रहना है, यस राइट राइट, हमको पता है क्या करना होता है, करते हैं पूरे दिन, पता ही होता है, यस सबको नहीं पता होता है, इसलिए सब कमेंट करते हैं। बेटा पैटा पे के साथ किंजल मस्त बाजरा का रोटला बना रही है मम्मी की तरह टपा टपे, वो यहाँ पे रोटला भी मस्त बनाए, वाह फुल के दड़ा जैसा रोटला बनाएंगे ना, फुल इन दड़ा क्रिस्पी, यस वो यहाँ पे दो रोटला बन गया है, तो चलो गेस्ट भी घर पे है तो उसको खाने के लिए बिठा देती हूँ, और वीडियो कभी एंड करती हूँ, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करें, बाय बाय।